प्यारे बच्चों, रामजीलाल क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 11 क्लास 11 की भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे थे और उसमें सीख रहे थे। इसमें हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ लिए थे। तीसरा पार्ट ये है ये तीसरा पार्ट है जिसे हम लोगों ने पढ़ना है। तीसरे पार्ट में यदि हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने कल आपको बताया था कि बल किसे कहते हैं, और बल में हमने बताया था कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसे हम बल कहते हैं। और उसी क्रम में हम आज बलों के प्रकार की बात करेंगे। प्रकृति के मूल बल कितने होते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। शुरुआत यहीं से है, भौतिक जगत की शुरुआत यहीं से है। प्रकृति के मूल बलों की बात करेंगे तो आप इसमें बनाइए, प्रकृति हेडिंग बनाओ, प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के मूल बल इसमें लिखें। प्रकृति के मूल बल चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर दो विद्युत चुंबकीय बल, नंबर तीन प्रबल नाभिकीय बल, नंबर चार दुर्बल नाभिकीय बल। ये चार बल हैं प्रकृति के, इनकी हम चर्चा परिचर्चा इन पर हम करेंगे। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर दो विद्युत चुंबकीय बल, नंबर तीन प्रबल नाभिकीय बल, नंबर चार दुर्बल नाभिकीय बल। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग बनाइए आप, प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल को यदि आप जानना चाहो तो गुरुत्वाकर्षण बल सर्वमान बल है। सब जगह आप जहां भी हैं वहां पर जो बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो सर्वव्यापी बल है, प्रकृति में इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में एक वैज्ञानिक हुए न्यूटन, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने संकल्पना क्या दी, हम ऐसा मानते हैं समझने के लिए, यदि आप समझना चाहो। न्यूटन एक खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने दूरदर्शी के माध्यम से जब आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया तो उन्होंने देखा होगा कि आकाशीय पिंड अनियमित रूप से असंख्य की संख्या में आकाशीय पिंड हैं जो अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पिंड आपस में कभी टकरा नहीं रहे हैं। पास पास ऐसा लगता है कि पास पास आने वाले हैं लेकिन फिर भी वो टकराते नहीं हैं। तो इस सबका जब अध्ययन उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया होगा तो उन्होंने जो निष्कर्ष दिया होगा वो निष्कर्ष क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। न्यूटन ने कहा कि दो पिंड हैं, ये दो पिंड हैं ब्रह्मांड के, इसका द्रव्यमान M1 है, इसका द्रव्यमान M2 है, और ये दोनों पिंड बीच में इनके कुछ ना कुछ दूरी है, ये दूरी हमने R मान ली। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, कि F इज प्रपोर्शनल M1 इंटू M2। उन्होंने निष्कर्ष दिया F इज प्रपोर्शनल 1/R2। न्यूटन ने कहा कि ब्रह्मांड में स्थित, पूरे ब्रह्मांड की बात है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल, ये बल है आकर्षण, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती,
द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको कहते हैं अनुक्रमानुपाती। तथा बीच की दूरी के वर्ग, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कहा था न्यूटन ने। तो न्यूटन का नियम ये है, क्या सिद्धांत आप लिखें इसमें, लिखो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, या बल लिख दें खाली, लगने वाला बल या आकर्षण बल लिख दें, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब ये नियम है क्या, इसको आप नोट करें, ये चित्र बनावे M1 M2, ये दूरी R लिखें और इसको नोट करें। ये नोट करें, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा, ध्यान दीजिए, तो बन जाएगा F इज प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे R2, इन दोनों से ये बन जाएगा। अब हमने कक्षा 9 से पढ़ रखा है कि जब भी अनुक्रमानुपाती आएगा तो क्या करेंगे, हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो नियतांक कांस्टेंट आया वो था कैपिटल जी M1 M2 बटे R2, जहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा G=6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है, ये जी का मान है। अच्छा, जी के मान की खोज सबसे पहले कैवेंडिश ने की थी, जी की खोज सर्वप्रथम कैवेंडिश ने की थी, ये तो हो गई इसकी जानकारी। अब हम ये जानते हैं, हम ये जानना चाहेंगे ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये लगता कहाँ है, कार्य कहाँ करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल सभी जगह कार्य करता है, ये ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर कार्य कर सकता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रसार होता है वो अनंत प्रसार है, अनंत प्रसार है, वो महीन कणों पर भी, पास पास के कणों पर भी, बहुत दूर के कणों पर भी कार्य कर सकता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। नंबर दूसरा हम जान सीखेंगे, नंबर दो था विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इसको हम लोग कूलाम बल भी कहते हैं, कूलाम बल भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल क्या है, जिस प्रकार की संकल्पना न्यूटन ने ली थी इसी प्रकार की मिलती जुलती संकल्पना लगभग कूलाम ने ली थी। कूलाम ने, न्यूटन ने कहा था कि ब्रह्मांड के पिंडों की बात की थी, कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों की बात की, स्थिर बिंदु आवेशों की, कंडीशनल वाक इसमें है स्थिर बिंदु आवेश। कैसे आवेश लिए गए,
स्थिर बिंदु। ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, दोनों स्थिर हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है। तो कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने कहा कि नहीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्यों कहा गया, क्योंकि यह बल आकर्षण भी हो सकता है और यह बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये कक्षा हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है आवेशों में कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं वैद्युत बल। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है, कूलाम बल, या इसे विद्युत चुंबकीय बल भी कहते हैं। तो आप इसमें लिखें, हेडिंग बना के लिखिए, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे कूलाम बल या विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, इसे कूलाम बल या विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसमें आप इसके नीचे ये नोट कर बना लेंगे, इसके बाद ये नोट करेंगे, और इसके जब ये नोट हो जाएगा तो आप इसके आगे समझेंगे इसको। इसको हम यदि लिखना चाहें तो आप बताइए, यदि इसको ऐसे लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुक्रमानुपाती जब भी हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक आता है। यहाँ पर जो नियतांक प्रयोग में लाया गया वो था के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, के का मान यहाँ पर है 1/4πε0। तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये बन जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻⁹ होती है, ये इसका मान होता है। तो ये किस, कौन सा बल मिल गया, ये हमको मिल गया कूलाम बल या विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं प्रबल नाभिकीय बल को, प्रबल नाभिकीय बल को पढ़ेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, जानते हैं प्रबल नाभिकीय बल के बारे में, आप अगली हेडिंग बनाएं, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या है, अच्छा आप लोग, हम सब लोग जानते हैं इस बात को कि प्रत्येक पदार्थ अणु परमाणु से मिलकर बना है। अणु परमाणु कैसे था, संकल्पना हम लोगों ने पढ़ी रदरफोर्ड की, रदरफोर्ड ने कहा कि जो भी अणु परमाणु हैं तो परमाणु के मध्य में एक नाभिक है, नाभिक के, नाभिक पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, प्रोटॉन पर धनावेश है, न्यूट्रॉन उदासीन है, ये सब हमने पढ़ रखा है। अब ये यदि नाभिक है, ये नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी तो चक्कर लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, तो इनके मध्य में या हम किसी वस्तु को पटक पीट रहे हैं या ताप दे रहे हैं, तो इनमें, इन बलों, इनके जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बंधे हुए हैं नाभिक के अंदर, इनमें विकृति उत्पन्न होनी चाहिए कभी न कभी, कभी न कभी ये दूर हो जाने चाहिए, कभी न कभी ये अलग हो जाने चाहिए, लेकिन ये प्रबल रूप से बंधे रहते हैं। इसके पीछे कौन सा बल कार्य कर रहा है उसकी हम चर्चा करते हैं, उस बल का नाम है प्रबल नाभिकीय बल।
तो प्रबल नाभिकीय बल है क्या? वस्तुतः आप समझिए इसमें कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला जो बल है, नाभिक के अंदर किसी पदार्थ के नाभिक, जो पदार्थ में परमाणु होगा उसमें जो नाभिक होगा उसको में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांध के रखे है वो जो बल है, वो बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल है। और ये बहुत प्रबल होता है, यह बल बहुत प्रबल होता है। तो आप इसमें लिखें, हेडिंग बनावें प्रबल नाभिकीय बल, इसमें लिखें किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को प्रबल रूप से बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। तो इसका जो परास होता है प्रबल नाभिकीय बल का, प्रबल नाभिकीय बल का परास बहुत छोटा होता है, क्योंकि जो नाभिक है, नाभिक की यदि हम बात करें तो नाभिक का परास लगभग 10^-15 मीटर के आस कोटि का होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल का परास भी 10^-15 मीटर कोटि का होता है। इसमें आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि प्रबल नाभिकीय बल का परास 10^-15 मीटर कोटि का होता है। और ये प्रबल कितना होता है, इसमें अगला पॉइंट आप बना के लिखें कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक प्रबल होता है। इसका परास जो होता है वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, लगभग 10^-15। इसका जो परास है वो लगभग 10^-15 मीटर की कोटि का होता है। इसको भी आप लिख लें। अगली हेडिंग, आप अगला बल है उसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। तो हेडिंग बनावे दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल क्या कहता है? यह बल रेडियो एक्टिव पदार्थों में होने वाले बीटा क्षय, माने विनिमय जो है बीटा का उत्सर्जन है, बीटा क्षय जैसी नाभिकीय प्रक्रियाओं से में प्रकट होता है, उसे हम दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल जो है, यह बल बहुत सूक्ष्म होता है। इस बल का परास भी 10^-15 मीटर का होता है, अत्यंत सूक्ष्म परास इसका होता है। और यह बल सबसे अधिक दुर्बल बल कौन सा है? दुर्बल नाभिकीय बल ही सबसे अधिक दुर्बल बल है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने बल को पढ़ा, बल के हमने प्रकृति के मूल बलों को पढ़ा, और इसी क्रम में हमने कल जो मात्रक मापन की चर्चा की थी, उस मात्रक मापन में एक स्थिति ये उत्पन्न हुई कि मात्रक मापन हम लोग सीख रहे थे, मात्रक मापन को सीखते सीखते अचानक एक ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हुई होगी उस समय के वैज्ञानिकों के सामने, उस स्थिति का हम जिक्र करें जिससे आपको बात समझ में आवे और उसको फिर हम समझ सकें। उस समय के वैज्ञानिक जब वो लगातार खोज करने में व्यस्त थे, अपने अपने अध्ययन में व्यस्त थे, तो दो पूरा विश्व लगभग दो भागों में बटा सा महसूस हो रहा था। एक भाग था जिसको हम लोग फ्रांसीसी के नाम से जानते थे, फ्रांस के नाम से जानते थे, अधिकतर देश फ्रांस के अधीन हुआ करते थे, और एक देश था मुख्य रूप से, प्रबल रूप से उस समय इंग्लैंड, जिसके अंतर्गत भी बहुत से देश उसके अधीन हुआ करते थे, अपना देश भी अधीन था अंग्रेजों के। तो जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने अपने यहाँ वस्तुओं को मापने, तौलने और समय को जानने के लिए एक पद्धति का निर्माण किया, और उस पद्धति का नाम दिया सीजीएस पद्धति या सीजीएस प्रणाली, और जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने यहाँ अपने यहाँ एक पद्धति का निर्माण किया, उसका नाम दिया एफपीएस पद्धति या एफपीएस प्रणाली, ये उन्होंने नाम दिया।
तो फ्रांस के लोग इस पद्धति का प्रयोग कर रहे थे और अंग्रेज लोग इस पद्धति का प्रयोग कर रहे थे। वो इस पद्धति का प्रयोग कर रहे थे। यह जो सीजीएस प्रणाली है यह सबसे प्राचीनतम प्रणाली है। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। तो इन पद्धतियों का जिक्र होता है। हमने फ्रांस के लोगों ने इस पद्धति का प्रयोग किया और इंग्लैंड के लोगों ने इस पद्धति का प्रयोग किया। जो देश फ्रांस के अधीन हुआ करते थे उन देश के लोग इस पद्धति का प्रयोग कर रहे थे और जो देश इंग्लैंड के अधीन हुआ करते थे वो लोग इसका प्रयोग कर रहे थे। हम लोग आज भी, भारत के लोग जो देखिए आप, हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं हमारा प्लाट 20 फुट है, 25 फुट है, 30 फुट है, इसका क्या मतलब है? हम लोग उसी पद्धति का की बात करते हैं जो पद्धति अंग्रेजों ने ईजाद की थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया था और वो पद्धति आज भी कहीं ना कहीं चली आ रही है। तो ये अंग्रेज के लोगों की पद्धति थी और ये फ्रांस के लोगों की पद्धति थी। अब समस्या क्या उत्पन्न हुई? समस्या ये उत्पन्न हुई कि जब इन देशों के अंतर्गत जो देश थे, इस देश के अंतर्गत उस देश के लोग, उस देश का विद्यार्थी, उस देश के अध्यापक किसी दूसरे देश में, ऐसे देश में जिस देश में इन देशों का प्रभुत्व था या रहा होगा, वो देशों में जा रहे थे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी अनुसंधान करने के लिए। तो अब वो नाप रहे थे लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में। जब यहाँ आए वो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, यहाँ का वैज्ञानिक, यहाँ का विद्यार्थी, यहाँ का अध्यापक वो फुट को समझ रहा है, वो ग्राम की बात कर रहे हैं वो पाउंड को समझ रहा है। तो बड़ी समस्या, विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, बड़ा दिक्कत रही होगी कि अब कैसे क्या बन पाएगा, कैसे मैनेज होगी बात। वो अपनी बात को समझाना चाहता है, वो समझना नहीं चाहता है, ये समझाना चाह रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर एक स्थिति नई बनाई गई, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाई गई पेरिस के निकट सेवरस स्थान पर, और उस प्रणाली का नाम दिया गया एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली में ये कहा गया कि अब सभी लोग, पूरे विश्व के लोग जो भी मापन करेंगे वो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकेंड में मापेंगे, ये कहा गया। तो इससे ये समस्याएं खत्म होने लगी। इसके बाद एक नई पद्धति का निर्माण किया गया, उसको कहा गया एसआई प्रणाली। एसआई प्रणाली क्या है? एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। इसके अंतर्गत लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, जो तीव्रता को कैंडला में, आदि आदि इस प्रकार से इसमें नापेंगे। तो हम लोग बात करेंगे आज प्रणाली की। आप प्रश्न बनाए किसी मापन के लिए किन किन प्रणालियों का प्रयोग किया जाता था, वर्तमान में प्रयुक्त प्रणाली का वर्णन कीजिए। आप प्रश्न बनाएं। उत्तर में आप लिखें, उत्तर में आप लिखें राशियों के मापन के लिए
राशियों के मापन के लिए मात्रकों के आधार पर निम्न प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप लिखें, नंबर एक में लिखें CGS प्रणाली, नंबर दो में आप लिखें FPS प्रणाली, नंबर तीन में आप लिखें MKS प्रणाली और नंबर चार में आप लिखें SI प्रणाली। नंबर आप एक हेडिंग बनावें CGS प्रणाली, नंबर एक में आप लिखें CGS प्रणाली, नंबर एक हेडिंग आप बनाएं CGS प्रणाली। इसमें आप लिखें, इसके बारे में हम समझ चुके हैं, इसमें आप लिखें इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। इसमें लिखें यह प्रणाली सबसे प्राचीनतम प्रणाली है, यह प्रणाली सबसे प्राचीनतम प्रणाली है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। इसका प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया। नंबर दो में हेडिंग बनाएं FPS प्रणाली। लिखें इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। लिखें इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत हेडिंग आप बनाएंगे FPS प्रणाली, इसमें लिखेंगे इस प्रणाली के अंतर्गत लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं। यह प्रणाली, इसमें लिखेंगे यह प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग में लाई गई। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब नंबर तीन हेडिंग बनाएं MKS प्रणाली।
एमकेएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली। एमकेएस प्रणाली लिखो, इस प्रणाली के अंतर्गत, इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह एक सर्वमान्य प्रणाली है, यह एक सर्वमान्य प्रणाली है जिसे यह एक सर्वमान्य प्रणाली है। तो ये एक प्रणाली थी जिसमें हमने एमकेएस प्रणाली की बात करी। इसके बाद इसी प्रणाली को सही ढंग से और प्रस्तुत किया गया, इसका नाम बनाया गया एसआई प्रणाली, सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया, इसको आप हेडिंग बनाएं, इसमें आप लिखें एसआई प्रणाली, एसआई प्रणाली एमकेएस प्रणाली का, एमकेएस प्रणाली का विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप है। एसआई प्रणाली जो है वो है क्या, वो एमकेएस प्रणाली ही है लेकिन उसका विस्तृत रूप है। इसमें लंबाई को मीटर में, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। तो ये एसआई प्रणाली हो गई। इस प्रकार से हमने इन प्रणालियों की चर्चा की, इसके बारे में पढ़ा। प्यारे बच्चों, हम लोग रामजीलाल क्लासेस के माध्यम से, चाहे क्लास टेंथ हो, क्लास इलेवेंथ हो, क्लास ट्वेल्थ हो, इनके बारे में विस्तृत रूप से PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यह एक अच्छा प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म की सहायता से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को, अपने गृह परीक्षा की तैयारी को, कक्षा 11 का विद्यार्थी गृह परीक्षा की तैयारी करेगा, इसकी तैयारी को आप सुदृढ़ बना सकते हो। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से लगातार पढ़ते रहें और सीखते रहें। घर में रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। रात्रि का समय है, आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ सकता है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो वो विद्यार्थी भी इन वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करे। यह एक सबके हित की बात है और अच्छी पहल है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।